के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स मशाल रैली के स्वागत में बीएचयू में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। नमामि गंगे ने मणिकर्णिका तीर्थ पर गंगा किनारे चलाया सफाई अभियान। जिला निर्वाचन अधिकारी एस राजलिंगम ने मतगणना की तैयारियों का लिया जायजा। और सिगरा पुलिस ने चोरी के 12 एंड्रॉइड मोबाइल के साथ मुलायम को दबोचा। और अब खबरें विस्तार से। शहर में मतगणना को लेकर हो रही तैयारियों का जायजा जिला निर्वाचन अधिकारी व अपर नगर आयुक्त द्वारा लिया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी एस राजलिंगम एवं अपर पुलिस आयुक्त एस चन्नप्पा द्वारा आज पहाड़िया मंडी में मतगणना स्थल की तैयारियों का जायजा लिया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि मतगणना संबंधित सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, कार्मिकों का प्रशिक्षण हो चुका है, मतगणना टेबल लग गए हैं, बैरिकेडिंग, प्रकाश व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे, लाउड स्पीकर आदि लगाए जा चुके हैं। अपर पुलिस आयुक्त ने कहा कि मतगणना स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस फोर्स के अलावा सादे वेश में भी जवान तैनात रहेंगे। बीएससी के साथ साथ बाहर से जो भी फोर्स मिल रही है, सबकी ड्यूटी मतगणना को सकुशल संपन्न कराने तक लगाई गई है। जैसे पर्सनल काउंटिंग के दृष्टिगत ये निरीक्षण करने आया था कि सारी तैयारियां पूरी हो गई कि नहीं। जैसे तैयारियां हमारी पूरी है और जो मतगणना एजेंट्स जो आएंगे और मीडिया कर्मी आएंगे और हमारे जो स्टाफ आएंगे उनके लिए जो मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध है कि नहीं है उसके भी निरीक्षण करके चेक कर लिया गया और सारी तैयारियां हमारी पूरी है। सर, जो प्रत्याशी हो सर उनके आने की क्या व्यवस्था, किस तरह से लोग आएंगे, कितने लोग आएंगे? सभी का एक ही साइड से हैं, पीछे साइड से जो एंट्री लिए हैं वो वहीं से आएंगे और जो मतगणना कर्मी और सुरक्षा कर्मीगण हैं वो सभी इस साइड से आएंगे। खेलो इंडिया गेम्स मशाल रैली के स्वागत में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन हुआ। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स मशाल रैली के स्वागत में काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित स्वतंत्रता भवन में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर विजय कुमार शुक्ला ने युवाओं का आह्वान किया कि वे शिक्षा के साथ साथ खेल को भी अपने जीवन में शामिल करें। सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ प्रशांत मिश्रा एवं सीमांग मिश्रा द्वारा वायलिन एवं सितार युगल बंदी से हुआ। अतिथियों का स्वागत काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र अधिष्ठाता प्रोफेसर ए के नेमा ने किया। इस अवसर पर स्वतंत्रता भवन में विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों द्वारा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के मशाल का स्वागत किया गया। कार्यक्रम का संचालन और धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर बाला लखेंद्र ने किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में जहां एक ओर प्रतिभागियों ने भारत की विविधता को प्रदर्शित किया, वहीं उन्होंने काशी के गौरव और विविध लोक कलाओं का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय सेवा योजना NCC शारीरिक शिक्षा विभाग के छात्र छात्राओं के अलावा बड़ी संख्या में विद्यालय के छात्र भी शामिल हुए। इस अवसर पर वाराणसी जिला प्रशासन के अधिकारी सहित अनेक विद्यालयों के अधिकारी व विद्यार्थी भी शामिल थे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स पूरे देश में संचालित है, पूरे देश में चल रहा है और उसी की जो ये कड़ी है, तीसरी कड़ी यहाँ पर आयोजित हो रहा है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के जो चार जिले हैं जिसमें वाराणसी, लखनऊ, नोएडा और गोरखपुर, यहाँ पर ये कार्यक्रम होना है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में जो हमारा जिमखाना है वहाँ पर कुश्ती और योगाभ्यास की प्रतियोगिता होगी मई के अंतिम सप्ताह और जून के प्रथम सप्ताह में। तो इसके अवेयरनेस के लिए, इसके जागरूकता के लिए, लोगों में रुचि पैदा करने के लिए, युवाओं को जागरूक करने के लिए एक मशाल रैली का आयोजन किया गया है लखनऊ से, जिसे हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी और हमारे जो खेल मंत्री हैं श्री अनुराग ठाकुर जी ने विदा किया था और वो जो मशाल है कल शाम में काशी यहाँ पहुँच चुकी है वाराणसी में और आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्वतंत्रता भवन में उस मशाल रैली का स्वागत किया गया हमारे माननीय कुलगुरु द्वारा और उन्हीं के सम्मान में ये अभी सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है। सिगरा पुलिस ने गुरुवार को 12 एंड्रॉइड मोबाइल फोन के साथ चोर मुलायम यादव को गिरफ्तार किया। सिगरा पुलिस ने गुरुवार को चोरी के 12 एंड्रॉइड मोबाइल के साथ चोर मुलायम यादव को गिरफ्तार कर लिया। मुलायम मऊ जिले के घोसी थाना क्षेत्र के खानपुर बुजुर्ग गांव का निवासी है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर उसे कैंट स्थित माल गोदाम रोड से गिरफ्तार किया। DCP काशी जोन RS गौतम ने गुरुवार को अपने कार्यालय में चोरी के आरोपित को मीडिया के सामने पेश किया। उन्होंने बताया कि कैंट रेलवे स्टेशन के सामने मोबाइल की दुकानदार ने सिगरा थाने में तहरीर दी। बताया कि 26 अप्रैल की रात 9 बजे दुकान बंद कर घर चला गया। दूसरे दिन दुकान पहुंचा तो देखा कि अंदर से कई मोबाइल चोरी हो गई है, खाली डिब्बे फेंके पड़े थे।
पूछताछ में मुलायम यादव ने बताया कि वह रेलवे में पेंटिंग करने के लिए वाराणसी आया था। ठेकेदार के अंडर में काम करने लगा तो उसने कहा कि तुम पेंटिंग का काम नहीं कर पाओगे और उसे काम से निकाल दिया। इसके बाद एक दो दिन वह जैसे तैसे रहा। इसके बाद मौका पाकर कैंट स्टेशन के सामने मोबाइल की दुकान से मोबाइल चुरा लिया। एक अभियुक्त मुलायम यादव निवासी खानपुर बुजुर्ग थाना घोसी जनपद मऊ को गिरफ्तार किया और जिसके कब्जे से उन्होंने 12 दर्जन मोबाइल फोन बरामद किया है। ये मालगोदाम रोड शेल्टर होम के पास से इसको गिरफ्तार किया गया और इसमें प्रभारी निरीक्षक सिगरा श्री राजू सिंह के अतिरिक्त उप निरीक्षक ब्रजेश सिंह, चौकी प्रभारी रोडवेज, हेड कांस्टेबल संतोष, अनूप कुशवाहा, कांस्टेबल संतोष राय व अमित कुमार का विशेष योगदान रहा। इस पूरी टीम ने बड़ी तत्परता के साथ कार्य किया है तो पूरी टीम को 10,000 रुपये नकद से पुरस्कृत किया जाएगा। साथ ही साथ अभियुक्त मुलायम का PCR लेकर के इसका आपराधिक इतिहास संकलित करके और उसके सहयोगियों की जानकारी करके गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई संपादित की जाएगी। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सच के साथ स्वामी हर सेवानंद पब्लिक स्कूल वातानुकूलित छात्र छात्राओं हेतु छात्रावास की सुविधा, हरितिमा युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम, आउटडोर गेम, NCC, ABC सर्टिफिकेट तथा कैरियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी भागों क्षेत्र में बस की सुविधा, विज्ञान कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला है, ऑडियो वीडियो क्लासेस की सुविधा, स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं, हड़वाघाट, रमना, वाराणसी, फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी, फोन नंबर 7408457111, बनपुरवा रमना वाराणसी, फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड दुर्ग सोनभद्र, फोन नंबर 7081109710, मरसरा घोरावल सोनभद्र, फोन नंबर 9554963194 एवं स्वामी हरसेवानंद महाविद्यालय चुर्क सोनभद्र, फोन नंबर 7081109711। स्वामी हर सेवानंद पब्लिक स्कूल पाठशाला ही नहीं संस्कार शाला भी है। आई एम स्टूडेंट ऑफ जीवनदीप महाविद्यालय। आई एम प्राउड ऑफ महाविद्यालय फॉर एक्सेलेंट फैकल्टी, बेस्ट सपोर्ट एंड बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बेस्ट प्लेस। आई एम स्टूडेंट ऑफ जीवनदीप महाविद्यालय। आई एम प्राउड ऑफ महाविद्यालय फॉर एक्सेलेंट फैकल्टी, बेस्ट सपोर्ट एंड बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बेस्ट प्लेस। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। दो गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। नमामि गंगे ने मणिकर्णिका तीर्थ पर गंगा किनारे सफाई अभियान चलाया। काशी खंड के अनुसार गंगा अवतरण से पहले अस्तित्व वाले मणिकर्णिका तीर्थ व चक्र पुष्करणी कुंड पर नमामि गंगे ने गुरुवार को सफाई अभियान चलाया। भूगर्भ जल के दिव्य स्रोत कुंडों सरोवरों के संरक्षण की कामना से चारों धाम के पुण्य का लाभ प्रदान करने वाले चक्र पुष्करणी कुंड की आरती उतारी। गंगा किनारे व चक्र पुष्करणी कुंड में श्रद्धालुओं द्वारा विसर्जित किए गए कपड़े व अन्य प्रदूषण कारक सामग्रियों को बाहर निकालकर कूड़ेदान तक पहुंचाया गया। जल संरचनाओं के रूप में हमें मिली समृद्धशाली धरोहरों को सहेजने के उद्देश्य से सबका साथ हो गंगा साफ हो का संदेश दिया गया। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि मणिकर्णिका तीर्थ और चक्र पुष्करणी कुंड की महिमा पृथ्वी के सभी तीर्थों की तुलना में श्रेष्ठ है। काशी खंडोक्त में वर्णित यह क्षेत्र धार्मिक आस्था और पर्यटन का भी केंद्र बिंदु है, इसलिए साफ सफाई बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि शवदाह करने आए लोगों से भी तीर्थ की स्वच्छता बनाए रखने की अपील है। बताया कि काशी खंड के अनुसार गंगा अवतरण से पहले इसका अस्तित्व है। भगवान विष्णु ने भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए यहाँ हजारों वर्ष तपस्या की थी। भोलेनाथ और देवी पार्वती के स्नान के लिए उन्होंने
कुंड को अपने सुदर्शन चक्र से स्थापित किया था। आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, सुनीता जायसवाल, रीता पटेल, गीता सचदेवा, लल्लू साहनी, विनय सिंह आदि शामिल रहे। गंगा अवतरण से भी पूर्व के मणिकर्णिका तीर्थ पर और चक्र पुष्करणी कुंड पर आरती उतार कर वहाँ साफ सफाई करके गंगा किनारे की सफाई करके यह संदेश दिया है कि हमें अपने कुंड और सरोवरों के संरक्षण का कार्य करना है। यह हमारे भूगर्भ जल के स्रोत हैं जिनके कारण हम पेयजल, सिंचाई और अन्य कई आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। गंगा हमारी सब कुछ है। प्रत्येक धार्मिक कृत्यों में या धार्मिक प्रयोजनों में, पर्यटन में हम अपनी गंगा के किनारे जाते हैं, गंगा का उपयोग करते हैं। तो हम क्यों ना यह संदेश दें कि गंगा सबका साथ हो और गंगा साफ हो। कौशल राज शर्मा ने फीता काट कर ICICI बैंक की नई शाखा का उद्घाटन मकबूल आलम रोड पे किया। ICICI बैंक ने वाराणसी के मकबूल आलम रोड पर एक नई शाखा शुरू की है। शहर में बैंक की यह 12वीं शाखा है। बैंक ग्राहकों को नगद जमा और निकासी सेवाएं प्रदान करने के लिए शाखा में एक ATM सह कैश रिसाइकलर मशीन है। मशीन 24 घंटे उपलब्ध है। श्री कौशल राज शर्मा, आयुक्त वाराणसी मंडल, ने बैंक शाखा का उद्घाटन किया। इस मौके पर UK2 के जोनल हेड विकास सबरवाल, वाराणसी के रीजनल हेड दिग्विजय सिंह और ICICI बैंक के ब्रांच मैनेजर प्रकाश राय उपस्थित थे। उद्घाटन के दौरान राजेंद्र गोयनका, कुशाग्र अग्रवाल, डॉक्टर KP सिंह, शुभम हॉस्पिटल, आशुतोष द्विवेदी, राकेश गुप्ता, पवन माहेश्वरी और अन्य सामान्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। शाखा कार्ड सेवाओं के साथ बचत और चालू खाते, सावधि और आवर्ती जमा, ऑटो ऋण, स्वर्ण ऋण और व्यक्तिगत ऋण सहित खाते जमा और ऋण की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करती है। शाखा ग्राहकों को लॉकर सुविधा भी प्रदान करती है। यह सोमवार से शुक्रवार और महीने के पहले, तीसरे और पांचवें शनिवार को सुबह 9:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक संचालित होती है। उत्तर प्रदेश में बैंक की 344 शाखाओं और 1161 ATM का विस्तृत नेटवर्क है। ये ICICI बैंक की 11वीं ब्रांच, वाराणसी में 12वीं ब्रांच है, जो कि वाराणसी में स्थापित की गई है मकबूल आलम रोड पे। ये विस्तरीय ब्रांच है जिसमें हर प्रकार के लोन्स, बैंकिंग सुविधाएं, हर तरह के FDs, हर तरह का व्यावसायिक लोन, हर चीज़ मिलेगा। टू व्हीलर लोन, फोर व्हीलर लोन, कमर्शियल लोन, हर तरह का होगा। और ये काशी के विकास को देखते हुए हम लोग काशी वासियों को विस्तरीय बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करा पाएंगे। इस मनोदशा से, मनोभाव से इस ब्रांच का किया गया है। जैसे आप लोगों ने देखा, ये वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी के साथ ये ब्रांच का उद्घाटन किया गया है, जिसमें कि ATM की 24 घंटा सुविधा रहेगी, 24 घंटा कैश डिपॉजिट मशीन की सुविधा रहेगी। इसमें लॉकर, स्ट्रांग रूम सारे अवेलेबल हैं। तो आप सब काशी वासियों को ये एक अद्भुत अनुपम बैंकिंग सुविधाओं का आपको अनुभव होगा। सिटी चैनल के संवाददाता अजय यादव का समाचार संकलन के दौरान एक्सीडेंट हो गया, जिसमें वो बुरी तरीके से जख्मी हुए। राजघाट क्षेत्र में समाचार संकलन के लिए गए सिटी चैनल के रिपोर्टर अजय यादव सड़क दुर्घटना में जख्मी हुए। आदमपुर थाना अंतर्गत राजघाट पुल से पहले डाट पुल के समीप गुरुवार को अपराह्न में समाचार संकलन के लिए राजघाट गए अजय के साथ कार्यालय वापसी के दौरान यह हादसा हुआ। घायल अजय ने बताया कि वह एक न्यूज कवरेज के लिए राजघाट गया था और वापसी के समय चल रहे तेज हवा की वजह से गले में लटका गमछा मुंह पर आ गया और सड़क किनारे खड़े वाहन से मेरी मोटरसाइकिल टकरा गई। अजय के बाएं पैर के घुटने में गंभीर चोट लग गई है और वह लहूलुहान होकर जब दुर्घटना स्थल पर गिर पड़ा था, तभी मानवता का परिचय देते हुए वहीं से गुजर रहे राहगीर दाम्पत्य ने उसकी मदद की। उन दोनों दाम्पत्य राहगीरों ने अजय यादव से ऑफिस के लोगों का नंबर लेकर तत्काल उन्हें घटना के बारे में अवगत कराया, जिस पर ऑफिस स्टाफ वहां पहुंचकर उन्हें एम्बुलेंस के द्वारा मंडलीय चिकित्सालय कबीरचौरा पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उनका उपचार किया। इस बीच सामाजिक कार्यकर्ता अमन कबीर को जब इस घटना के बारे में सूचना मिली तो वह वहां पहुंचकर अपने एम्बुलेंस से अजय को उनके आवास पर पहुंचाया। बुधवार को सिग्नस हॉस्पिटल द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें बताया गया कि अब कैंसर रोग के लिए रोगी को अलग अलग हॉस्पिटल में भटकना नहीं पड़ेगा, 24 घंटे इलाज अब यही संभव है। गुरुधाम क्षेत्र स्थित उजाला सिंह हॉस्पिटल में हर तरह के कैंसर के लिए 24 घंटे इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस संदर्भ में प्रेस वार्ता कर डॉक्टर UP शाही और उनकी पूरी टीम ने कैंसर के आरंभिक निदान, रोकथाम और पार्श्व इलाज के बारे में बताया और कहा कि अब उजाला सिंह हॉस्पिटल सभी तरह के कैंसर का इलाज
सफलता पूर्वक व किफायती दर पर करेगा। अब किसी भी तरह के कैंसर के लिए अलग अलग हॉस्पिटल में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ सभी प्रकार के मरीजों का उपचार हो सकता है, मरीजों का आरंभिक निदान किया, डायग्नोस किया सकता है, उपचार किया सकता है और उन्हें मैं ये कहूँगा उचित मार्गदर्शन देने के लिए हम इस जगह को बनाएंगे कि जहाँ मरीजों का सही ढंग से दिशा निर्देश किया जा सके और उनका ट्रीटमेंट को प्लान किया जाए। सर, कैंसर को लेके बहुत अधिक प्रॉब्लम होती है लोगों को, कैंसर के लिए कैसे आप लोग क्या कर रहे हैं? कैंसर के लिए वही तो मैं कह रहा हूँ, हमारे पास सर्जरी है, कीमोथेरेपी है, रेडियोथेरेपी की व्यवस्था है, हमारे हमारे हमारी टीम है जो इस विषय में काम करती है। ये तीन मुख्य तरीके से हम उसका इलाज उपलब्ध कराते हैं तथा मरीज को मार्गदर्शन करते हैं, उसको काउंसलिंग करते हैं, कैंसर के बारे में जो गलतफहमियाँ हैं उसको दूर करने की कोशिश करते हैं, उसके इलाज में कोई बाधा होती है तो उसको हम दूर करते हैं। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत, नमस्कार। सच के साथ।